This video is sponsored by Galaxy Construction and Infra Projects. We help you to make your dream home. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मोहन कैबिनेट की पहली बैठक मंत्रालय में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सभी वरिष्ठ और अनुभवी हैं, हमें मिलकर काम करना है। संकल्प पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। अधिकारियों को संकल्प पत्र की प्रक्रिया की जा चुकी है और सबसे कार्य योजना बनाने के लिए भी दे दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहरों में यातायात प्रबंध सुगम बनाएं, मंगलवार की जनसुनवाई के अलावा भी प्रतिदिन समस्याओं का उचित समाधान किया जाए, पटवारी और अन्य कर्मचारी रात्रि विश्राम कर ग्रामों की समस्याएं हल करें, वीआईपी दौरे के समय आम जनता जिन घोषणाओं के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता नहीं है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए कहा गया है, विभागों का आवंटन भी शीघ्र हो जाएगा, इसके बाद सभी पूरी ताकत के साथ उसे पूर्ण करने में जुट जाएं। लोकसभा चुनाव का समय पास आ गया है, हमें पूरी ताकत से जुटना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, सभी इसमें जुटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ BRTS भोपाल एवं VIP रोड भोपाल के चौड़ीकरण के संबंध में भी बैठक की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसमें मंत्रियों का अधिकारियों से परिचय कराया। 18 विधायक पहली बार मंत्री बने हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक से पहले सुबह CM मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। अगले साल 2024 मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, ऐसे में नई सरकार के पास काम करने के लिए अब केवल 2 महीने का समय है। भाजपा के संकल्प पत्र की घोषणाओं को पूरा किया जाएगा।